11 नवंबर की हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाइटनिंग। तो IMD जो इंडिया का है उसका कुछ प्रमोशन काउंसिल है, उसने कुछ बताया है लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग मतलब डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो कड़कती है आसमान के अंदर। उसमें क्या होता है कि क्लाउड नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थ पॉजिटिव चार्ज होती है, हवा यानी कि हवा की वजह से वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाती है और फिर बिजलियाँ कड़कती है। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो ये नेक्स्ट चलते हैं वन, एडोलेसेंट एंड फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज के ऊपर कुछ आर्टिकल है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इंडिया में 18 साल और 21 साल की, एवरीबडी नो अबाउट इट, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट चलते हैं अयोध्या के मामले में, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, विवादित क्वेश्चन नहीं पूछना है। लेकिन आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को सुपरमैन बनाता है, क्यों? इस विवाद के अंदर बाबरी मस्जिद में हिंदुओं को मिल गई है ज़मीन, लेकिन मुसलमान को क्या मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को भी ज़मीन देने की बात करी है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो किसी को ज़मीन नहीं दे सकता, बट फिर भी ये आर्टिकल कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ट्रेवलर्स की बातें की गई थी, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, तो इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है, सो वी कैन स्किप हियर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने खादी के लिए कुछ हार्मोनाइज्ड सिस्टम को जारी किया है। ये 6 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुड्स के नॉमिंग कल्चर यानी नामकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 5000 गुड्स इसके अंदर आते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड का कुछ ड्राफ्ट निकाला गया है, जिसमें प्रोविजन फंड और कुछ की उनको मिक्स करने की बातें की गई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आर्मी फॉल आर्मी वैम वॉम जो होता है मेज के ऊपर अटैक किया है इनने। ये अमेरिका से नेटिव हैं, फिर ये अफ्रीका में पहुंची, इंडिया में सबसे पहले कर्नाटका में पहुंची। ये अलग अलग फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने मीटिंग करके बोला है कि भाई ग्रीन हाउस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये, तो वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। साइक्लोन जो है वो कौन कौन से भी अरेबियन सीज के अंदर वगैरह के अंदर आए हैं, आपको ध्यान में होने चाहिए कपल ऑफ थिंग्स। तो आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये इंडिया है, तो वेस्ट ऑफ बंगाल में कौन से आए हैं, अरेबियन सी में कौन से आए हैं, कैन बी आस्ड। MMR जो है उसके लिए सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने कुछ डेटा रिलीज़ किया है। दे ध्यान रखना है, दो चीज़ें होती है, एक तो होती है MM रेशियो, एक होता है MM रेट, दोनों में डिफरेंस होता है। MM रेशियो के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आसाम के अंदर है, और रेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। SDG का टारगेट है कि 2030 तक अपन को 70 MMR लेकर के आनी है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि आखिरकार MMR क्या होती है। MMR मतलब रेशियो का मतलब बच्चों की डेथ कितनी हुई है, और रेट का मतलब मदर्स की, वुमेंस की डेथ जो है वो कितनी हुई है, वो उस पर निकाला जाता है कि 1 लाख औरतों में औरतें कितनी मरी है और 1 लाख बच्चों में बच्चे कितने मरे हैं। तो ये है रेशियो और रेट में डिफरेंस, यू शुड नो। राष्ट्रीय संस्कृति, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नॉट इम्पोर्टेंट। शंघाई के अंदर कौन से देश आते हैं, यू शुड नो, ट्रक इसका शॉर्टकट है। इंडिया के अंदर काउंटर टेररिज्म की एजेंसी कौन सी है, NIA। ILO की अपन बात करें तो ILO क्या चीज़ है भाई, ILO जो है 1919 के अंदर बना था, और इंडिया ने कुछ इसके सिस्टम को रेक्टिफाई किया है। इसका एक फ्यूचर फॉर वर्क इनिशिएटिव है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, सो कैन बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम। इसके अलावा नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन टैग फास्ट टैग की अपन बात करें तो ये RFID टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, हाईवेज पे लगेगा ये। 5 साल इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद में ख़त्म, नया ले लो, रिचार्ज करवाते रहो। डेजर्ट एनिमल में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सो नॉट इम्पॉर्टेंट, हमको जाना ही नहीं है। रामसर साइट जो इंसानों ने बनाई है, मैडमैन है, वो है भोज वेटलैंड जो कि भोपाल के अंदर है, ये एक रामसर साइट है। इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत हेवी पक्षी होता है, 5-15 किलो का होता है और हवा में उड़ सकता है ये, तो राजस्थान के अंदर इसको इसका घर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है। नेक्स्ट चलते हैं,
साइट्स की हम बात करें तो साइट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का काम यूएनईपी करता है, ये लीगली बाइंडिंग होती है। और इसकी एक मीटिंग हुई थी आईयूसीएन के, उस मीटिंग के अंदर इस साइट्स का निर्माण किया गया था कि भाई ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। तो ये इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, ध्यान रखना, इसको मैनेज यूएनईपी करता है, लेकिन ये यूएन की एक संस्था नहीं है, ध्यान रखना। 1973 में जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, खाली एडमिन करने का काम यूएनईपी करती है, लेकिन है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट ओनली। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे ओरंग टाइगर रिजर्व में, ये जिसको मिनी काजीरंगा कहते हैं, राइनो वगैरह पाए जाते हैं आसाम के अंदर। यू शुड नो इट इज़ अ गुड प्लेस, यू शुड विजिट समटाइम्स। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, लाइटनिंग क्या होती है, मेंटल पुमे क्या होता है, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस मेनी टाइम्स, सो इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का पहला सीएनजी ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो है भावनगर गुजरात में बना है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है वो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसके ऊपर काम किया है भी। सुस्ता और काला पानी इंडिया और नेपाल के बीच में हाल ही में विवादित एरिया आया है। मिथेन जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, मिथेन जो होती है वो 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है 10 गुना ज़्यादा होती है CO2 से, इसलिए वो ग्रीन हाउस गैस बड़ी तगड़ी होती है ये मिथेन। मिथेन जो है वो आपको वेटलैंड, वेस्ट ट्रीटमेंट, लाइवली स्टॉक यानी ढांडे भी मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स सिंपल थिंग। सुमन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है, ध्यान रखना, मातृत्व सुरक्षा, इसमें हेल्थ के लिए जीरो जीरो खर्चा, मतलब आपको प्रेग्नेंट वुमन, न्यू बॉर्न बेबीज़ वगैरह जो है उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज कराया जाता है। आईडेक्स इनिशिएटिव ये डिफेंस के अंदर इनोवेशन क्रिएट करता है, और ये कुछ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। प्रायोरिटी लर्निंग जो IAS में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ये कौशल विकास योजना के तहत आता है, और ये स्किल फ्रेमवर्क के तहत आता है, जिसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेशन दिया जाता है, मतलब जो आदमी काम करता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, यू नो दिस स्टफ। गुरु नानक देव जी की हम बात करें तो गुरुमुखी उनका पवित्र ग्रंथ है, और ये नानकन साहब जो है वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो यू शुड नो। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का ये पावर होता है कि वो कंप्लीट जस्टिस दे सकता है, सुपर पावर होता है ये कि भाई कोई भी फैसला वो दे सकता है। ट्रंप यूएस और इंडिया के बीच में एक एक्साइज है, नाम से पता चलता है। थैंक यू।